अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू समरीना एंड इमरान्स किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल चीज़ सैंडविच, और ये बहुत ही यम्मी, टेस्टी और हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही जल्दी से रेडी भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बनाने के लिए वेजिटेबल चीज़ सैंडविच को मैंने 2 ब्रेड्स ली हुई हैं, और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून अनियन का और 1 टीस्पून टमाटो का लिया हुआ है, और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कैप्सिकम ली हुई है जिनमें से ग्रीन, येलो और रेड है, जिससे हमारा सैंडविच देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी हो जाएगा। स्प्रेड करने के लिए मैंने 1 टीस्पून बटर का लिया हुआ है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और सॉल्ट लिया हुआ है, जिसे हम 2-3 पिंच ही यूज करेंगे, और यहाँ पे ऑरिगेनो लीव्स लिया है, इसे भी हम 2-3 पिंच ही यूज करेंगे, और 1 स्लाइस चीज का लिया हुआ है। तो चलिए फटाफट हम सैंडविच रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी ब्रेड है और हम इसे सबसे पहले चारों तरफ से कट कर लेंगे। हम ज्यादा नहीं कट करेंगे, बस लाइट सा कट करेंगे इसे। आप चाहे तो इसे बिना कट करे हुए भी सैंडविच बना सकती हैं, मगर यहाँ पे हम इसे चारों तरफ से कट कर रहे हैं। तो देखिए, ब्रेड को इस तरह से हमने चारों तरफ से कट कर लिया है। अब हमने जो 1 टीस्पून बटर लिया था, उसे हम दोनों ब्रेड में अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो ब्रेड में हमने बटर को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, और अब हम इसमें सभी वेजिटेबल्स को 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। हम इसमें सबसे पहले अनियन को ऐड करेंगे, और इसके बाद हम टमाटो ऐड कर देंगे। टमाटो ऐड करने के बाद हम 1 बाय 1 सभी कैप्सिकम को भी ऐड कर देंगे। तो अब हमने सभी कैप्सिकम को भी ऐड कर दिया है, और हमारा सैंडविच बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद अब हम इसमें 2 पिंच ब्लैक पेपर और सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने से सैंडविच का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है, और हम 2 पिंच इसमें ऑर्गेनो लीव्स भी ऐड कर देंगे। ऑर्गेनो लीव्स ऐड करने से सैंडविच में बहुत अच्छे से खुशबू आने लगती है। और अब हम 1 टीस्पून टमाटो केचप को ऐड करके इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देंगे। और अब लास्ट में हम इसमें चीज स्लाइस को ऐड करके इसको कंप्लीट कर देंगे। तो अब हमारा वेजिटेबल चीज सैंडविच रेडी है। तो अब हम इसे दूसरी ब्रेड स्लाइस से, जिसमें हमने बटर लगाया था, उससे कवर कर देंगे। हमारा सैंडविच मेकर रेडी है, और अब हम इसमें सैंडविच को रख देंगे, और बस 2 मिनट में हमारा सैंडविच रेडी हो जाएगा। सैंडविच मेकर की ग्रीन लाइट ऑन होते ही हम सैंडविच को बाहर निकाल लेंगे। तो ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है, तो हम अपने सैंडविच को बाहर निकाल लेते हैं, और इसे 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे ताकि खाने में ये इजी हो जाए। तो सैंडविच को हमने 2 पार्ट्स में कट कर लिया है, और अब ये सर्व करने के लिए रेडी है। माशाल्लाह से ये बहुत ही टेस्टी और लजीज बना है, आप जरूर से इसे ट्राई करिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। So see you at new recipe. Take care and Allah Hafiz.